गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 समास, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। समास क्या होता है इसके बारे में जानेंगे आप। समास का अर्थ है संक्षिप्त या संक्षेप होता है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो उसे सार्थक कहते हैं। कम से कम दो शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण में जो दिया है रसोई के लिए घर, यहाँ पर ये जो समास है तत्पुरुष समास है। यहाँ पर एक कारक चिन्ह है के लिए, संप्रदान के लिए यहाँ पर कारक चिन्ह दिया हुआ है। अब इसका जब संक्षिप्तीकरण किया गया तो ये रसोई घर में परिवर्तन हो गया, तो ये मतलब उसका छोटा रूप हो गया है। अब हम समास की परिभाषा देखते हैं। समास की परिभाषा है परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल को समास कहते हैं। सामासिक शब्द क्या होता है इसको भी जानते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है, इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग, जो कारक चिन्ह में होता है उसके चिन्हों को परसर्ग बोला जाता है, वो लुप्त हो जाते हैं। समास विधि से बना नया शब्द ही सामासिक पद या समस्त पद इसे ही कहते हैं। जैसे राजपुत्र, यहाँ पर देखिए इसका कारक चिन्ह लगेगा तो ये हो जाएगा राजा का पुत्र। अब यहाँ पर परसर्ग जो चिन्ह है का लोप हो गया है। समास में समास विग्रह का बहुत महत्व होता है। आइए समास विग्रह को भी देखते हैं। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, समस्त पद का विस्तृत रूप जब हम उसे खोल कर लिखते हैं या विस्तार करके लिखते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है राजपुत्र, यह एक सामासिक पद है यानी कि सामासिक शब्द है, लेकिन जब इसका विग्रह किया गया तो इसका विग्रह में ये रूप हो गया कि राजा का पुत्र। अब यहाँ पर ये संबंध तत्पुरुष समास है। समास में पूर्व पद और उत्तर पद का भी बहुत महत्व होता है। आइए देखते हैं पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। समास में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, यहाँ पर गंगा जल एक शब्द है, इसमें गंगा पूर्व पद है यानी पूर्व पद का मतलब जो पहला शब्द है, और जल जो है उत्तर पद है यानी कि उसके बाद वाला जो शब्द है उसको उत्तर पद कहते हैं। अब जब हम इसका विग्रह करेंगे गंगा जल का तो हो जाएगा गंगा का जल, तब यह समास विग्रह हो जाएगा। समास के कितने भेद होते हैं आइए इसको भी देखते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है अव्ययी भाव समास। समास के भेद में पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा देखते हैं। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब दूसरा पद, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते समय बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, अधिकरण में पर आदि का लोप हो जाता है। इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है उस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे उदाहरण देखिए मांस को खाने वाला, अब यहाँ पर देखिए इसको समास विग्रह किया गया है। मांस को खाने वाला इसको मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी शब्द जो है अब आपका एक समस्त पद है या सामासिक पद हो गया है, और विग्रह शब्द जो है मांस को खाने वाला है। साग को खाने वाला शाकाहारी, इसमें केवल कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक आदि केवल 6 कारक का ही लोप होता है। कर्ता और
संबोधन कारक का इसमें लोप नहीं होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। पहला है कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म की विभक्ति का लोप हो जाता है। पहला है कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, जैसे सर्वभक्षी, सब का भक्षण करने वाला। अब यहाँ देखिए सर्वभक्षी शब्द में का लोप हो गया है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अब देखिए यहाँ पर यश को, यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है लेकिन यश प्राप्त जब इसका समस्त पद बना है तो यहाँ पर को कर्म पुरुष तत्पुरुष का लोप हो गया है, को का लोप हो गया है। दूसरा है करण तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है, जैसे रेखा की या रेखा से अंकित। अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पर समास विग्रह किया गया है, जब इसका समस्त पद होगा तो रेखांकित शब्द हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है सुर रचित, सुर द्वारा रचित, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। यहाँ पर देखिए करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है यहाँ पर के द्वारा या से का लोप हो गया है, जिससे समस्त पद हो गया है सुर रचित और तुलसीकृत। चौथा है संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है, जैसे युद्ध के लिए भूमि। अब यहाँ से के लिए इसमें से हट जाएगा, लुप्त हो जाएगा तो हो जाएगा युद्ध भूमि। रसोई के लिए घर, के लिए हट जाएगा, लुप्त हो जाएगा यानी कि रसोई घर। पांचवा है अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से लुप्त हो जाती है, जैसे अब देखिए दिया है यहाँ पर जन्म से अंधा। यहाँ पर से जब यहाँ से लुप्त हो जाएगा तो समस्त पद बन जाएगा जन्मांध। इसी तरह से है कर्म से हीन, से का यहाँ से लोप हो जाएगा तो हो जाएगा कर्महीन। पांचवा है संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की लुप्त हो जाती है, जैसे जलयान। अब देखिए जलयान जो है वह समस्त पद है और जल का यान यहाँ पर समास विग्रह हुआ है। अब जलयान समस्त पद होने पर का लोप हो गया है। यहाँ पर ये भी देखिए कि इसका अर्थ है जलयान का, जल का यान यानी कि पानी का जहाज, तो इस पानी और जहाज का संबंध बता रहा है। दूसरा उदाहरण है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र ये समास विग्रह किया गया है और समस्त पद है राजपुत्र। यहाँ पर देखिए राजा का पुत्र में का लोप होने पर राजपुत्र हो गया है और राजा का पुत्र यहाँ पर संबंध कारक को बता रहा है। यहाँ राजा और पुत्र का, उसके पुत्र का संबंध बताया जा रहा है। छठवां है अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है, जैसे रणधीर, रण में धीर। रणधीर जो शब्द है वो एक शब्द है, वो समस्त पद उसको कहते हैं, और रण में धीर यहाँ पर समास का विग्रह किया गया है। और यहाँ पर देखिए में, रण में धीर, में लुप्त होने पर ही रणधीर शब्द बना है। उसी तरह से है क्षणभंगुर, क्षणभंगुर जो है समस्त पद है, क्षण में भंगुर ये समास विग्रह है, यहाँ से में लिप्त हुआ है तो क्षणभंगुर शब्द बन गया है। दूसरा है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की परिभाषा देखते हैं। वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पूर्व पद यानी कि पहला पद, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद। उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए और उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है एवं समास करते समय दोनों पदों के बीच में के समान है जो रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग अवश्य होता है। इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे चरण कमल, इसका जब समास विग्रह किया गया तो कमल के समान चरण। इसमें चरण जो है पहला पद है और कमल जो है दूसरा पद है,
दूसरा पद यानी उत्तर पद की ही प्रधानता इसमें होती है। उदाहरण में जो चरण कमल दिया है, यहाँ पर कमल जो है उपमान है, क्योंकि इससे चरण की तुलना की जा रही है और चरण जो है उपमेय है जिसकी तुलना की जा रही है। दूसरा उदाहरण है नील गगन, नीला है जो गगन। यहाँ पर नील गगन जो है वो समस्त पद है यानी कि एक शब्द है, और नील जो है पहला पद है और गगन जो है दूसरा पद है, और इसका जो समास विग्रह हुआ है वह नीला है जो गगन। यहाँ पर नीला शब्द जो है वह विशेषण है और गगन शब्द विशेष्य है। ये दूसरा पद है, पहला पद क्या है नीला जो विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य जो है गगन है। बच्चों, कर्मधारय समास में ध्यान देने योग्य बात क्या है कि इसके पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें दूसरा शब्द यानी कि दूसरा पद ही प्रधान होता है, इसमें एक विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष्य होता है, और एक उपमेय होता है और उपमान होता है, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझा दिया है। तो जब भी समास करें इस बात का अवश्य ध्यान दें। तीसरा है द्विगु समास। इसका परिभाषा देखते हैं। जिस समस्त पद का पहला पद, पूर्व पद, संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। या इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो यानी कि संख्या का बोध कराए, तथा समस्त पद मतलब पूरा पद समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरात्रि, यहाँ पर देखिए बच्चों, नौ जो है क्या है, संख्या का बोध करा रहा है। अब देखिए उसका समूह बता रहा है कि नौ रात्रियों का समूह, नवरात्रि। दूसरा उदाहरण है सप्तर्षि, सात ऋषियों का समूह। यहाँ पर देखिए सप्त मतलब होता है सात, और यहाँ पर भी देखिए सात ऋषियों का समूह बताया गया है, और पहला पद क्या है संख्यावाची है, और समस्त पद जो है वह समूह का बोध करा रहा है, इसलिए इसे द्विगु समास कहते हैं। समास का विग्रह करने पर नवरात्रि का समूह हो गया है और समस्त पद क्या हो गया है नवरात्रि हो गया है, उसी तरह से सात ऋषियों का समूह ये समास विग्रह है और समस्त पद क्या है सप्तर्षि है। चौथा है बहुव्रीही समास। जिस पद में कोई पद प्रधान न होकर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद यानी किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं या तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीही समास कहते हैं। बहुव्रीही समास द्वारा रचित शब्द विशेषण का भी कार्य करता है। बच्चों, बहुव्रीही समास में विग्रह करने पर अंत में जिसका, जिसके, जिसकी या वाला, वाले, वाली आदि शब्द ये जरूर आपको मिलेंगे, तो इससे भी आपको बहुव्रीही समास पहचानने में आसानी हो जाएगा। जैसे इस उदाहरण के द्वारा समझते हैं, चतुरानन, चतु मतलब होता है चार, आनन मतलब होता है सिर, यानी कि चार है आनन जिसके अर्थात, चार है सिर जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। बच्चों, यहाँ पर चतु जो है पहला पद है, आनन जो है दूसरा पद है। यहाँ देखिए इन दोनों पदों का कोई महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि तीसरे अर्थ अर्थात चार है आनन ब्रह्मा जी को यानी तीसरे अर्थ की ओर संकेत किया गया है। दूसरा उदाहरण है चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु। यहाँ तीसरा अर्थ विष्णु जी को दिखाया गया है, क्योंकि विष्णु जी के हाथ में ही चक्र होता है, पाणी मतलब हाथ होता है, चक्र मतलब सुदर्शन चक्र को ही कहा गया है। यहाँ जो है चक्र पहला पद है, पाणी दूसरा पद है, लेकिन यहाँ चक्र पाणी को कोई महत्व नहीं दिया गया है, तीसरे अर्थ अर्थात विष्णु को, क्योंकि विष्णु ही जो होते हैं वो चक्र को धारण करने वाले होते हैं, इसलिए उनको महत्व दिया गया है, उनकी ओर संकेत किया गया है। पांचवा है द्वंद्व समास। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। द्वंद्व समास, जिस समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे अन्न जल, बीच में देखिए यहाँ पर डैश दिया, अन्न और जल के बीच में डैश दिया है, तो जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो यहाँ पर वह जो डैश है वो हट करके और या एवं शब्द के अनुसार लग जाता है। दूसरा उदाहरण है नदी नाले, यहाँ देखिए डैश हट करके
यहाँ पर नदी और नाले हो गया है। इसी तरह से आपको कई उदाहरण मिलेंगे, जैसे लाभ या हानि, भला या बुरा, छोटा या बड़ा, जिसमें योजक चिन्ह या उसी को समुच्चय बोधक भी कहते हैं चिन्ह दिखाई दे, जैसे अन्न डैश जल है, इसी को योजक चिन्ह कहते हैं। इस तरह के चिन्ह दिखाई दें तो आप समझिए कि ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दो शब्दों को मिलाने वाले समुच्चय बोधकों जैसे और, तथा, या, अथवा, एवं आदि शब्दों का लोप हो जाता है। जब हम इसको विग्रह करते हैं तब यह शब्द प्रकट होता है, यानी कि सामने दिखाई देता है। छठवां है अव्यय भाव समास। अव्यय का अर्थ होता है अ मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च, यानी कि जो खर्च न हो। अव्यय को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि वे सब जिसके रूप नहीं बदलते उसे अव्यय कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस सामासिक पद का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो तथा सामासिक पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बच्चों, अव्ययी भाव समास में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसमें पहला पद ही प्रधान होता है, यानी कि पहला पद ही मुख्य होता है। इसी से आप इसको पहचान सकते हैं। इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे प्रति प्लस कूल प्रतिकूल, आ प्लस जन्म आजन। बच्चों, इसमें ध्यान दीजिए कि प्रति शब्द जो है पहला पद है वो अव्यय है, और समस्त पद जो है प्रतिकूल है, और समास विग्रह हो जाएगा इच्छा के विरुद्ध। दूसरा है आजन्म, आ प्लस जन्म। आजन्म जो है वो समस्त पद है, और इसमें आ जो है पहला पद है, अव्यय है, और इसका जो समास विग्रह होगा जन्म से लेकर। बच्चों, अव्ययी भाव समास में इसको कैसे पहचाने, इसके लिए आपका जो पहला शब्द है जो अव्यय नहीं होता है, जो प्रधान होता है, वो हमेशा आपको उपसर्ग में मिलेगा। उसको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि यह शब्द नहीं, शब्दांश टाइप का ही होता है। मैं इसको उदाहरणों के द्वारा आपको बताती हूँ। बा बाकायदा हो जाएगा, भर भर पेट हो जाएगा, अन अनजाने हो जाएगा, प्रति प्रतिक्षण हो जाएगा। इस तरह के आपको शब्द जो है मिलेंगे जो आपको उपसर्ग टाइप के पहला पद दिखेगा, समझिए वो कि अव्ययी भाव समास है। द्विगु और बहुव्रीही समास में क्या अंतर होता है, आइए इसे भी जानते हैं। बहुव्रीही समास में समस्त पद ही यानी कि पूरा शब्द ही विशेषण का कार्य करता है, जबकि द्विगु समास का पहला पद यानी कि पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण होता है, और दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होता है। बच्चों, इसके विग्रह करने पर यह निर्भर करता है कि यह द्विगु समास है या बहुव्रीही समास है, यह किसके अंतर्गत आ रहा है। तो आपको विग्रह करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि यह बहुव्रीही है या द्विगु समास है। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे है दसानन, दस आनन है जिसके, अर्थात रावण। यहाँ पर तीसरे अर्थ की ओर संकेत किया जा रहा है, इसलिए यह बहुव्रीही समास है। दूसरा उदाहरण है चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, द्विगु समास। यहाँ पर चतु मतलब चार, यहाँ पर देखिए जो पहला पद है वो संख्यावाचक है और दूसरा पद जो है वह विशेष्य है। भुजा जो है विशेष्य है कि भुजाओं के बारे में बात हो रही है, और पहला पद क्या है, संख्यावाचक विशेषण, इसलिए यहाँ पर यह द्विगु समास है। बच्चों, द्विगु और बहुव्रीही समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि बहुव्रीही समास में किसी तीसरे अर्थ को बताएगा, उसमें बीच में शब्द लगा रहेगा, जिसका, जिसकी, जिसके, इस तरह के शब्द आपको बीच में मिलेंगे विग्रह करते समय। और जो है कि द्विगु समास में आपको समूह शब्द अवश्य मिलेगा, जैसे तीन नेत्रों का समूह, चार भुजाओं का समूह, तीन फलों का समूह, पांच आबों का समूह। समूह शब्द से भी आप द्विगु समास को पहचान सकते हैं। कर्मधारय और बहुव्रीही समास में क्या अंतर होता है, आइए इसे भी जानते हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। बहुव्रीही समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं।
जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये कर्मधारय समास है। अब देखिए नील जो शब्द है वो पहला पद है, पहला पद क्या है विशेषण है, और कंठ जो है दूसरा पद है, दूसरा पद क्या है वो विशेष्य है। तो इस प्रकार यह कर्मधारय समास है। दूसरा उदाहरण है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिवजी, बहुव्रीहि समास। आप इसमें देखिए नीलकंठ किसको कहा जाता है, शिवजी को ही कहा जाता है, तो यहाँ पर तीसरे अर्थ को बता रहा है जिसके कारण यह बहुव्रीहि समास है। बच्चों कर्मधारय और बहुव्रीहि समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि कर्मधारय समास में आपको बीच में जो शब्द मिलेगा या के समान मिलेगा या रूपी शब्द बीच में अवश्य मिलेगा, विग्रह करते समय इन शब्द को बीच में लगाया जाता है। और बहुव्रीहि समास में जिसका, जिसके, जिसकी आदि ये शब्द अवश्य मिलेंगे। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं, डिपेंड करता है कि विग्रह किस प्रकार किया गया है। सबसे पहले विग्रह को ध्यान देना चाहिए। आपको पता है कि कर्मधारय समास में एक विशेषण एक विशेष्य होता है, बहुव्रीहि समास में ऐसा नहीं होता है, वो पूरा पद ही विशेषण का कार्य करता है। तो इससे भी इसके अंतर को समझ सकते हैं। संधि और समास में क्या अंतर होता है, आइए इसे भी जानने का प्रयास करते हैं। अर्थ की दृष्टि से यद्यपि दोनों शब्द समान हैं, अर्थात दोनों का अर्थ मेल ही है, तथापि दोनों में कुछ भिन्नता है जो निम्नलिखित है। पहला है संधि वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल है। संधि पढ़ते समय आपको बताया गया था कि संधि जो है वर्णों का मेल है और समास में शब्दों का मिलाप होता है। दूसरा पॉइंट है संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होते हैं, जैसे अ प्लस अ मिलके आ हो जाता है, तो इस तरह से वर्ण परिवर्तन उसमें होते हैं संधि में, जबकि समास में ऐसा नहीं होता है। समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों का अथवा समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है, जैसे कि तत्पुरुष समास में आपने देखा कि कारक चिन्हों का लोप हो रहा था, और द्वंद्व समास में समुच्चय बोधक शब्दों का लोप हो रहा था, जैसे कि और, तथा, या, अथवा, एवं, ये शब्द जब हट जाते हैं तो वहाँ पर डैश यानी कि योजक चिन्ह का योजक चिन्ह लग जाता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, ये संधि है। राजा का पुत्र राजपुत्र, ये समास है, यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, विद्या प्लस आलय में विद्या आ प्लस आ का मेल हुआ है, उससे बड़ा आ बना है। विद्यालय में वर्णों का मेल हुआ है और राजा का पुत्र में यहाँ पर शब्दों का मेल हुआ है। बच्चों आपको समास पाठ पढ़ा दिया गया है, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बार बार वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद।